पर्यन्ताम् वंदे गुरु परंपराम। ग्राम गुलाड़ी की समस्त भक्तिमयी जनता, सभी श्रेष्ठगण भक्तिमयी माताओं, आप सभी के द्वारा हमारी जो भारतीय वैदिक संस्कृति है उसका संरक्षण गत 12 दिनों से निरंतर चल रहा है। धर्मो रक्षति रक्षता, धर्मशास्त्र के वचन है, यदि हम धर्म का संरक्षण करेंगे तो धर्म हमारा संरक्षण भी करेगा। आज भगवत अनुग्रह से संत समागम हरि कथा, भगवान की मंगल कथा, भगवान की मंगल लीला में संत जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी, जो ज्योतिष पीठ और द्वारिका शारदा पीठ के शंकराचार्य भी वर्तमान समय में हैं, आदि शंकराचार्य की परंपरा का निर्वहन करते हुए जो चल रहे हैं, पीठ पर जो आसीन है, जिन्होंने भारतवर्ष की संस्कृति को एक सूत्र में बांध करके उसका संरक्षण किया, वर्तमान में स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज पीठ में, दोनों पीठों में अलंकृत हैं, उनके प्रतिनिधि स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी जो अभी कुछ समय में पीठ पर आसीन होंगे, और आपके प्रतिनिधि के रूप में ज्योतिष पीठ से ब्रह्मचारी अभिमुक्तेश्वर मुकुंदानंद महाराज जी, आपके कुछ मित्रों का, आपके ग्राम सभा का आवाहन था, आपके आह्वान से आपका आगमन हुआ और आपके इस मंगल मेला पर आपको आशीष वचन के रूप में महाराज जी आप देंगे, क्योंकि समय कुछ कम है बोलना। बोलिए जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज की, बद्री विशाल भगवान की, अलकनंदा मैया की। पूज्यपाद ज्योतिष पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम समर्पित करते हुए, उनके प्रतिनिधि शिष्य हमारे गुरुदेव पूज्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम समर्पित करते हुए, आपके इस पवित्र गांव गुलाड़ी में उपस्थित इस सभा मंडप में जो भी विद्वत जन हैं, हम किसी से भी परिचित नहीं हैं, इसीलिए किसी का नाम लेना हमारे लिए प्रतीत नहीं हो पा रहा है कि किसका नाम लें किसका छोड़ें। जितने भी लोग उपस्थित हैं आप सभी के प्रति अपने हृदय की सद्भावना अभिव्यक्त करते हैं। हमको इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने वाले श्री पप्पू मैदुली जी, अभी हमारा उनसे सीधे परिचय भी नहीं हुआ है, बस फ़ोन पे हमारी उनसे बात हुई थी, और आपके गांव के पास के ही हमारे जोशीमठ में रहने वाले दिनेश चंद्र सती जी हैं, उनके प्रयास से आज हम आपके मध्य आए। हमारे साथ ही हमारे बड़े भाई श्री विजय पांडे जी और हमारे भाई श्री आशीष उनियाल जी भी यहाँ पे आपके बीच आए हैं। पांडव लीला, पांडव नृत्य प्रतिदिन आप सभी लोग यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। पांडवों के विषय में जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो सब इस माध्यम से, जो माध्यम आपके लिए सहज हो सके, जिस माध्यम को आप समझ सके, उन माध्यमों का आश्रय लेकर के हमारे पूर्वजों ने ऐसी व्यवस्था बना दी जिसके परिणाम स्वरूप अपने घर में बैठे ही, अपने गांव में बैठ के ही महाभारत के उन महान श्लोक कहते हैं कि यन न भारते तन न भारते। महाभारत नाम का जो महाग्रंथ है उसमें संसार की समस्त वस्तुओं का निर्देशन किया गया है। जो भी भारतवर्ष में प्रत्यक्ष हम देख पाते हैं वो सब महाभारत में उसका वर्णन किया है। तो इतना गूढ़ ग्रंथ, उसको समझ पाना तो बहुत कठिन है, बहुत ही क्लिष्ट है ग्रंथ, लेकिन इतने महानतम, इतने क्लिष्ट, इतने कठिन ग्रंथ को भी सहज स्वरूप प्रदान करके हमारे पूर्वजों ने ऐसी व्यवस्था बना दी कि सब जन सामान्य तक भी पांडवों के द्वारा किए गए जो सुंदर कृत्य थे, जो उनके सद आचरण थे,
वो हमारे मध्य आए और परिणाम कि सुंदर और सभ्य समाज के रूप में हम धीरे 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 बढ़ते गए और पांडवों को गए तो लगभग 5000 वर्ष बीत गए, लेकिन पांडवों के जाने के 5000 वर्ष बाद भी आज युधिष्ठिर से हम सत्य बोलना सीखते हैं, भीम से हम युद्ध कला सीखते हैं, अर्जुन से हम युद्ध की जो दूसरी कलाएं हैं वो सीखते हैं, भगवान कृष्ण के चरित्र को देखते हैं। जितनी भी कलाएं एक जीवन में आवश्यक होती हैं उन सब कलाओं को हम सीखते हैं। दो पक्ष है हमारे सामने, एक कौरव का पक्ष है और एक पांडवों का पक्ष है। और जब भौतिक दृष्टि से हम विचार करते हैं तो हम ये पाते हैं कि पांडव मात्र 5 हैं और कौरवों की संख्या 100 है प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन विजयश्री पांडवों के हाथ में आती है। श्रीमद् भगवद गीता के आखिरी श्लोक में कहा, यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयो भूतर ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। जहां पर भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण हो, जहां पर अर्जुन हो, विजय श्री तो वहीं पर प्राप्त होना है। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में विजय श्री की कामना होती है। हम कोई भी प्रयास करते हैं इसलिए करते हैं, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे तो उस बताया कि संसार में 3 तरह के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको संपत्ति प्रिय है, संपत्ति को प्राप्त करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है, कुछ भी कर सकते हैं। समाज में कुछ दूसरे एक ऐसी प्रकृति के लोग हैं जिनको थोड़ी संपत्ति और थोड़ा सा सम्मान मिल जाए इसके लिए कार्य करते हैं कि भाई संपत्ति तो ठीक है लेकिन हमारा अपमान नहीं होना चाहिए, सम्मान बरकरार रहना चाहिए। सम्मान यदि चला गया तो ऐसी संपत्ति लेके हम क्या करेंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं समाज में जिनको संपत्ति की थोड़ी भी भूख नहीं होती है, सम्मान चाहते हैं वो कि हमारा सम्मान बना रहे। कहते हैं ना कि कीर्तिर यस्य सजीवति, जीवन केवल हमारे शरीर मात्र का ही नहीं है, ये 3.5 हाथ का ये जो शरीर है इतना ही जीवन नहीं है। जीवन हमारा वो है कि हमारी कीर्ति जहां तक पहुंच रही है वहां तक हम पहुंच पा रहे हैं। वस्तुतः जीवन कीर्ति की है, वस्तुतः जीवन हमारे द्वारा किए गए सत्कार्यों की है। पांडवों ने ऐसे कार्य किए, पांडव चाहते तो अक्षौहिणी सेना का वर्ण कर लेते लेकिन पांडवों ने अक्षौहिणी सेना को अपने पक्ष में नहीं लिया। एक तरफ अक्षौहिणी सेना है और एक तरफ भगवान श्री कृष्णचंद्र निहत्थे, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उनके हाथ में, लेकिन पांडवों ने सेना बल की आवश्यकता, बल की अपेक्षा नहीं की कि बल प्राप्त हो जाए, पांडवों ने सत्य की अपेक्षा की, सत्य को अपना साथ बनाने का प्रयास किया और परिणाम विजयश्री पांडवों के हाथ में हुआ। चूंकि हम जिस पीठ और परंपरा से आपके मध्य आ रहे हैं उन परंपरा के विषय में 2 शब्द में अपनी बात कहेंगे, क्योंकि आपका मन तो इस समय आज के कार्यक्रम को देखने के लिए उत्सुक है। हम आपके और कार्यक्रम का मंचन करने वाले के बीच में विघ्न नहीं बनना चाहते हैं, फिर भी 2 शब्द में यदि हम अपनी बात कहना चाहें तो हम आपको बताएंगे कि जब से इस सृष्टि का आरंभ हुआ तो 2 परंपराएं चली। तब से कहते हैं कि हमारे सृष्टि को करोड़ों वर्ष बीत गए, कई बार सतयुग बीत गए, द्वापर बीत गए, त्रेता बीत गए, कलयुग बीत गए, 28वां कलयुग, ये 28वां कलयुग है, 1000 ये चतुर्युगी बीतेगा तब जाके प्रलय होगा, ये हमारा दर्शन है। आज का जो दर्शन है वो अलग तरह का है, उस दर्शन के अनुसार पहले बंदर थे, वनमानुष थे, फिर मनुष्य हुए, पहले पूछ थी, फिर पूछ कटते कटते मनुष्य हो गए। ये आज के जो आधुनिक दर्शन वाले हैं उनका मानना, हमारा मानना ऐसा नहीं है। हमारा मानना ऐसा है कि हम प्राचीन काल से ही बड़े सभ्य मनुष्य, भगवान मनु की संतान थे इसीलिए मनुष्य कहे जाते थे। तो बड़ा ही सुंदर अतीत हमारा, बड़ा ही समृद्धशाली रहा, कभी भी किसी चीज की कमी हमें नहीं रही। तो 2 परंपराएं चली, एक गुरु परंपरा जिसको हम लोग कहते हैं नाद परंपरा, और एक बिंदु परंपरा। बिंदु परंपरा और नाद परंपरा, दोनों परंपराएं जब से सृष्टि शुरू हुई तब से चलती चली आ रही है। बिंदु परंपरा के प्रतिनिधि हम सब हैं, क्योंकि सब अपने माता पिता से उत्पन्न हुए हैं और हमारी उत्पत्ति बिंदु से होती है, तो हम बिंदु परंपरा के प्रतिनिधि हैं। और दूसरी परंपरा है नाद परंपरा। नाद परंपरा क्या है, जिसमें एक गुरु अपने शिष्य के कान में मंत्र देता है। तो मंत्र देते समय मंत्र ऐसा तो है नहीं कि जिसको हम देख सकें, हमारे हृदय में प्रवेश कर रहा हो, एक वायु विशेष गुरु के मुख से निकलता है और शिष्य के कान के माध्यम से शिष्य के हृदय तक पहुंचता है।
तो गुरु शिष्य परंपरा जो है उसको नाद परंपरा कहते हैं। तो गुरु शिष्य परंपरा में बहुत सारे गुरु हुए, पहले भगवान नारायण गुरु हुए, फिर ब्रह्मा जी हुए, फिर उनके पुत्र हुए, फिर ऐसे गुरु परंपरा चलती गई, फिर वेद व्यास जी हुए, वशिष्ठ जी हुए, आदि सब होते होते भगवत पाद आदि शंकराचार्य जी महाराज आज से 2500 वर्ष पहले केरल में हुए। उस समय हमारे देश की स्थिति ये थी कि सनातन मत को मानने वाले लोगों की संख्या समाप्त हो गई थी, बौद्ध मत को मानने वाले सर्वत्र हो गए थे, सब जगह बौद्ध ही हो गए थे, सनातन मत को कोई नहीं मानता था। फिर शंकराचार्य जी महाराज आए और मात्र 8 वर्ष की अवस्था में संन्यास धारण किया उन्होंने, और संन्यास धारण करके पूरे भारतवर्ष की 4 बार परिक्रमा की, पदयात्रा की, और कहते हैं कि जब मात्र 11 वर्ष के थे तब वो जोशी मठ आ गए थे, जहां से हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं। उस ज्योतिर्मठ में शंकराचार्य जी महाराज उपस्थित हुए और 5 वर्ष उत्तराखंड में रहे। वो 11 वर्ष से लेकर के लगभग 15-16 के आसपास की उम्र तक यही रहे, और यहाँ रह करके उन्होंने क्रांतिकारी कार्य किए। भगवान बद्री विशाल की मूर्ति को बौद्धों ने उठा करके अलकनंदा जी के अंदर जो नारद कुंड था उसमें फेंक दिया था। शंकराचार्य जी जो बाल्यावस्था के थे उन्होंने नारद कुंड में प्रवेश किया और प्रवेश करके भगवान बद्री विशाल की उस मूर्ति को निकाला और निकाल के स्थापित किया, जिसकी पूजा आज भी हम लोग करते हैं, आप सबने भी दर्शन उनका किया होगा। वो शंकराचार्य जी महाराज 4 पीठों की उन्होंने स्थापना की। पीठ का मतलब वो स्थान जहां पर गुरु बैठ करके अपने शिष्यों को मार्गदर्शन देते हैं, और 4 परंपराएं बनाई। उन 4 परंपराओं में से जो उत्तर की परंपरा है वो ज्योतिष पीठ की परंपरा है, जिसके इस समय के आचार्य पूज्यपाद स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज हैं, जिनकी उम्र 99 वर्ष की है। वो इस समय देश के सर्ववरिष्ठ धर्माचार्य हैं, उनसे अधिक विद्वान, उनसे बड़ा तपोनिष्ठ, उनसे बड़ा ज्ञानी इस समय सुदुर्लभ है। वैसे ये विद्वानों की भूमि है, सर्वत्र विद्वान ही विद्वान है, लेकिन यदि हम तुलना करने की दृष्टि से बताएं आपको तो अद्वितीय विद्वान सर्ववरिष्ठ सन्यासी हैं पूज्यपाद ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जी महाराज। उनके प्रतिनिधि हैं पूज्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, और हम उनके सेवक हैं। आज आपके मध्य आकर बड़ा ही मन प्रसन्न है। हम तो दोपहर में ही लगभग 11:30 बजे के करीब आ गए थे, फिर आपके ही गांव में भोजन प्रसाद ग्रहण किया और यहीं रुके। अभी सायं पुनः वापस किसी दूसरे स्थान पर जाना है। आपके मध्य आकर पुनः अपने सुंदर शब्दों के माध्यम से आप सभी के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं, आप सभी को धन्यवाद देते हैं कि आप जिस समय 21वीं सदी में लोग दूसरी तरफ भाग रहे हैं, उस समय भी आपने अपने संस्कृति को बचाने के लिए जो प्रयास आपके पूर्वजों ने किया था उसको आपने बनाए रखा है, और अपनी उस संस्कृति को आप अपने आने वाली पीढ़ी को दे रहे हैं। ये निश्चित रूप से आप सभी के लिए गर्व का और गौरव का विषय है, हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि हम जिस ज्योतिष पीठ से आते हैं उस ज्योतिष पीठ के क्षेत्र के लोग आज भी अपनी परंपराओं का पालन करने में अपने आप को गौरवान्वित समझते हैं। बहुत अधिक ना कहते हुए भगवती का एक श्लोक आपके मध्य सुनाएंगे और सुना करके अपनी वाणी को विराम देंगे। सौंदर्य लहरी का ये श्लोक है। शिवशक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम् न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि अतस्त्वामाराध्यां हरिहर विरिञ्जादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृत पुण्यः प्रभवति। बोलिए राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी मैया की, बद्री विशाल भगवान की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज की जय हो, पांचों पांडवों की जय हो, कुंती माता की जय हो, भगवान श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो, नंदा किनी माता की जय हो, नंदा किनी माता की जय, बद्री विशाल भगवान की जय, वह पार्वती पते हर हर महादेव।